सीबीएसई पेपर लीक केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको दो पोर्शन में चल रहा है। एक डॉक्टर जॉय तिर्की हैं, वो कर रहे हैं जो मैथ्स से पेपर लीकेज का, और इकोनॉमिक्स के पेपर लीकेज का डॉक्टर रामगोपाल नायक कर रहे हैं। तो इसी के तहत कल अर्ली मॉर्निंग में आज तीन आदमी गिरफ्तार किए गए हैं। एक उसमें से तौकीर है जो एक कोचिंग सेंटर में ट्यूटर का काम करता है, ट्यूटर है, और दो टीचर्स हैं जो एक स्कूल में पढ़ाते हैं। 9:45 के करीब ये जो पेपर है वो उसको खोलने का समय होता है, और उससे कुछ समय पहले, करीब आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले ये पेपर खोला गया इकोनॉमिक्स का, और खोलने के बाद इमीडिएटली उसका जो प्रिंटेड मटेरियल है उसको व्हाट्सएप किया गया बच्चों को। उन्होंने उसको कुछ लोगों को और आगे कर दिया, और इसको उन्होंने जो भेजा था वो एक तौकीर को भेजा। तौकीर जो कोचिंग सेंटर में ट्यूटर है उसने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया था। तो जो चेन बनी है वो इस तरीके की बनी है कि जो बेनिफिशियरी है उसको तौकीर ने भेजा, तौकीर को रोहित जो टीचर है उसने भेजा, और ये उसके ऋषभ जो दूसरा टीचर है उसके कहने पे भेजा है। तो इस तरीके की सीक्वेंस है। इन लोगों को, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड इनका मिला है। इनको और इनसे पूछताछ होगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि इस क्या कंप्लीट नेटवर्क है।